नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। आनंद मोहन को लेकर बड़ी खबर है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के सगाई के दिन आनंद मोहन को बड़ा तोहफा मिला है। बिहार सरकार की तरफ से उनकी स्थायी रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। अब वह जेल से बाहर आ जाएंगे, वो भी पूरे तरीके से। अभी वह 15 दिन के पैरोल पर बाहर हैं। सरकार के विधि विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आनंद मोहन वैसे तो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड मामले में जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया था। पिछले सप्ताह 10 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर फैसला लिया गया। कैबिनेट ने वर्ष 2012 की नियमावली को संशोधित किया है। सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर तो लगी ही, उसी दिन गृह कारा विभाग ने संशोधन अधिसूचना भी जारी कर दी। बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद थे। फिलहाल बेटे के एंगेजमेंट को लेकर पैरोल पर वो बाहर आए हैं। अब आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता इतना भी आसान क्यों नहीं था, कैसे उसे समझते हैं। उनके जेल से परमानेंट बाहर आने की सबसे बड़ी रुकावट को सरकार ने ही खत्म कर दिया। सरकार ने 10 अप्रैल को बड़ा बदलाव किया नोटिफिकेशन में। दरअसल बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 48(1) के मुताबिक संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को लेकर जो प्रावधान थे वो शामिल किया गया था। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवक की हत्या के मामले में दोषी है तो सजा पूरी करने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकता था। इस प्रावधान को हटा दिया गया। इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा बल्कि एक साधारण हत्या मानी जाएगी। अब आनंद मोहन कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जल्द जेल से पूरी तरह बाहर आ सकते हैं। पटना से इस खबर को फाइल किया हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए बिहार तक के पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।